तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे ग्राहक प्रति जो है फॉर्म, इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना ताकि सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कृपया निम्नलिखित के नाम से आवर्ती जमा योजना टेंट स्वशक्ति MMDC MIDR QIDR मियादी जमा योजना जो है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि यह है क्या। तो यह जो है मूलधन को बिना प्रभावित किए आपके जो है तिमाही ब्याज प्रदान करता है। आपको जो है तिमाही ब्याज मूलधन को बिना प्रभावित किए आपको तिमाही ब्याज प्रदान करेगा। अब आप जो है इसको न्यूनतम से न्यूनतम 5,000 एवं उससे ऊपर 1,000 के गुणन राशि जमा कर सकते हैं, और आप 12 मास 120 माह की अवधि के लिए खाता खोल सकते हैं। अब इसमें जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवर्ती जमा योजना। आवर्ती जमा योजना देखिए यहाँ पे क्या है कि मासिक किस्त वाले अन्य सावधि जमाओं की तरह जो है टेलीफोन बिल हो गया, वेतन हो गया, पर्ची हो गया, या बैंक खाता यहाँ पर खोल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से जो भी आपका होगा जैसे आवर्ती जमा योजना हो गया, टेंट स्वशक्ति होगा, इसमें से जो भी होगा यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रुपया जो है वर्ड में लिख देना है, जो आप पैसा को यहाँ पे जितना पैसा यहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ पे पैसा को लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो पैसा लिखना है वर्ड में लिखना है, जैसे यहाँ पे 5,000 रुपीज़ हमने लिखा है यहाँ पे लिख देना है। देखिए ऊपर में सबसे पहले शाखा यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे दिनांक लिख देना है जिस तारीख को आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पर CISF नंबर होगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डेट दे देना है जिस तारीख आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस तारीख यहाँ पे डेट दे देना है। इसके बाद यहाँ पे नेम दे देना है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम जो भी होगा, अगर संयुक्त खाता रखेंगे तो सेकंड नेम भी हो जाएगा, और यहाँ पे खाता खोलने वाले का यहाँ पे नेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आप पैसा यहाँ पे नगद है कि कैश है आपका, जो नगद है कि चेक के द्वारा है, तो नगद होगा तो यहाँ पे नगद यहाँ पे कर दीजिएगा, यहाँ पे जो जितना पैसा है यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाकी यहाँ पे प्राप्तकर्ता अधिकारी कैशियर टेलर के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है इस कॉलम में, बाकी आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे इस वाले कॉलम पे आते हैं, आने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे शाखा का नेम लिख देना है, CIF संख्या लिख देना है, दिनांक दे देना है, जैसे यहाँ पे दिनांक CIF नंबर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बैंक वाउचर में यहाँ पर भी आपको रीड करना है, कृपया निम्नलिखित के नाम से आवर्ती जमा योजना टेंट वस्वती MMDC MIDR QIDR रुपए के लिए शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आवर्ती जो भी होगा इसमें से आप लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिनांक दे देना है, और दिनांक देने के बाद यहाँ पे खाता धारा का वन का नाम, संयुक्त खाता होगा तो उनका नाम, यहाँ पे नॉमिनी का नाम, जो भी नॉमिनी का नेम होगा यहाँ पे नॉमिनी का नेम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कार्यालय उपयोग हेतु, यहाँ पे इस कॉलम पे आपको फिर कुछ नहीं करना है, बाकी इसको छोड़ देना है। फिर आते हैं इस वाले कॉलम में, तो इस वाले कॉलम में हम लोग आते हैं, आने के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं इस वाले कॉलम में क्या है। फिर से यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे सावधि जमा पर्ची है जो है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको ब्रांच लिख देना है, ब्रांच का नेम, CISF संख्या लिख देना है, इसके बाद यहाँ पे दिनांक दे देना है, और यहाँ पे देखिए मियादी जमा खाता संख्या यहाँ पे जो भी होगा मियादी खाता संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, जितना होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राहक का प्रकार के मतलब जैसे यहाँ पे स्टाफ, भूतपूर्व स्टाफ, वरिष्ठ नागरिक या वैयक्तिक, यहाँ पे इसमें से जो भी होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे टिक कर देना, जैसे स्टाफ होंगे तो स्टाफ वाले पे, भूतपूर्व स्टाफ होंगे तो इस पर, वरिष्ठ नागरिक होंगे तो यहाँ पे इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं, कृपया आवर्ती जमा योजना टेंट व स्वशक्ति MMDC MIDR QIDR मियादी जमा खाता योजना रुपए के लिए शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। तो जो भी है यहाँ पे रुपया यहाँ पे शब्दों में लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे रुपये आंकड़ों में, तो आंकड़ा में यहाँ पे दे देना है, यहाँ पे दिनांक दे देना है, फिर माह दे देना है, फिर वर्ष दे देना है, और इसके बाद यहाँ पे
परिचालन का तरीका, परिचालन का तरीका में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रीड करते हैं। हम बैंक को परिवक्ता या परिवक्ता पूर्व निम्न को भुगतान करने के लिए अधिकृत करते हैं। यहाँ पे बैंक बोल रहा है कि जो परिवक्ता है, परिवक्ता पूर्व निम्न को भुगतान करने के लिए अधिकृत करते हैं। ये जैसे स्वतः हैं कि स्वतः मतलब अपने हैं, या इनमें से किसी एक अथवा उत्तरजीवी हैं, इसमें से किसी एक अथवा उत्तरजीवी को या उत्तर जीवी संयुक्त, मतलब जो भी संयुक्त होंगे तो इस पे टिक कीजिएगा, इनमें से किसी उत्तरजीवी होंगे तो इस पे, इनमें से किसी के अलावा अथवा उत्तरजीवी होंगे तो इनमें, अन्यथा स्वतः मतलब अपने होंगे तो इस पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस कॉलम पे देख लेना है, हम लोग देख लेते हैं। हम बैंक को परिवक्ता या नीचे आना है, हम बैंक को इनमें से किसी एक अथवा उत्तरजीवी इनमें से किसी एक को मियादी जमा के लिए, यहाँ पे उनका नेम हो जाएगा, प्रतिभूति के विरुद्ध ऋण लेने के लिए अधिकृत करते हैं। तो यहाँ पे उनका यहाँ पे नाम हो जाएगा। और इसके बाद हम बैंक को आवर्ती जमा योजना की मासिक किस्त मेरे या हमारे खाता संख्या इतना, जो भी खाता संख्या होगा यहाँ पे लिख देना है। खाता संख्या लिखने के बाद यहाँ पे अर्धवार्षिक तिमाही मासिक ब्याज मेरे खाता संख्या इतना में जमा करें। देखिए यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे दे देना है खाता संख्या। इसके बाद कृपया नियमानुसार परिवक्ता की राशि पुनः नवीकृत के लिए, यहाँ पे आपको देख लेना है, कृपया जमा रसीद नीचे दिए गए आवेदन के नाम से बनाए, जो आवेदन का नाम होगा उनके नाम से यहाँ पे जमा रसीद बनाइएगा, जैसे आवेदन का नाम जो भी होगा, इसके बाद उनका हस्ताक्षर हो जाएगा, उनका खाता संख्या हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, 50,000 के ऊपर के लिए यहाँ पे पैन नंबर दे देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, और यहाँ पे नॉमिनी का जो भी पूरा नेम होगा उनका पूरा नेम लिख देना है, उनका आयु लिख देना है, आपका संबंध क्या है, ब्रदर है, मदर है, सिस्टर है, फादर है, जो भी रिलेशनशिप में है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि हम श्री या श्रीमती जो भी हो, नाम पता एवं आयु यहाँ पे उनका नेम पता जो नॉमिनी में होगा, उनका नेम पता एवं आयु को प्राप्त करने के लिए नॉमिनी करता हूँ। नॉमिनी वाले यहाँ पे नेम लिख दीजिएगा जो भी होंगे यहाँ पे नॉमिनी करता हूँ, जहाँ जमा राशि वयस्क के नाम पर है, नामांकन अवयस्क के नैसर्गिक अव्यवस्थ के नाम पर है, अव्यवस्थ के नैसर्गिक कानूनी अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरी होना चाहिए। तो यहाँ पे उनका हस्ताक्षर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा। हस्ताक्षर होने के बाद उनका यहाँ पे नेम लिख दीजिएगा, और इसके बाद प्राधिकृत हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।